सियासत हो या क्राइम, सामाजिक सरोकार हो या राजनीति, घोटाला हो या बयान, हर तरह के खबरों का गुलदस्ता सिर्फ तहलका न्यूज पर। तहलका न्यूज रखे सारी खबरों को सबसे आगे, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी। नमस्कार, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ सह संपादक सरिता पाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें tehlka.in पर। इस गठबंधन के बारे में ज्यादा मत बात करिए, ये अपने आपस के निजी आवश्यकताओं पर आधारित है। प्रदेश की राजनीति और प्रदेश की जनता और देश की नीतियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। हर रोज सुबह पार्टी में एक पार्टी छोड़कर लोग शामिल हो रहे हैं और दूसरी पार्टी में दोपहर में टिकट मिल रहा है। हरदोई में भाजपा के सांसद 12 बजे इस्तीफा देते हैं, 2 बजे समाजवादी पार्टी का टिकट उनको मिलता है। ये वो सांसद है जो संसद के अंदर सांप्रदायिकता का गहरा घनघोर भाषण करते हैं। यह वो सांसद हैं जो इटावा से चुने जाते हैं भाजपा के टिकट पर। संसद में बोलते हैं कि देश के अंदर जितने मुसलमान हैं इन सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये पाकिस्तानी हैं। और ये दूसरे अभी आज एक साहब यही बोल करके हटे हैं, 1:30 बजे उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से और एक दूसरी पार्टी से टिकट ले आए, उनको फौरन दे दिया उन सांसद को। पूरे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन किस पार्टी के लोगों को जीते। पार्टी के कार्यकर्ता बेकार हो गए, दूसरी पार्टियों से और खासतौर से सांप्रदायिक पार्टियों से आए हुए लोग इस पार्टी के सिरमौर बन रहे हैं, टिकट पा रहे हैं जीतने के लिए। कहां गए? मैं इस पर फिर कभी बात करूंगा। डॉक्टर लोहिया की विचारधारा कहां गई? क्या हुआ काशीराम जी का? उत्तर प्रदेश फंस गया है भाई, दो नारों के बीच में फंस गया है। नारों की चर्चा फिर कभी मैं करूंगा आपसे। और उत्तर प्रदेश को बचाने की जरूरत है, उत्तर प्रदेश को बचाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक विचार शून्यता के दलदल में फंस गया। एक तरफ योगी जी की प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार है और दूसरी तरफ विचारों की विकल्पहीनता के दलदल में प्रदेश के 22 करोड़ लोग फंस गए हैं। इसे निकालने के प्रयास में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित सभी वामपंथी जनवादी शक्तियां काम कर रही हैं और इस दलदल से अब पार्टियों से ऊपर उठ करके व्यक्तियों को अपनी भूमिका निभानी, मतदाताओं को अपनी भूमिका निभानी। चुनाव के इन मौके पर प्रियंका गांधी जी का कांग्रेस में उभर कर आना, क्या कांग्रेस द्वारा केवल एक चुनाव के लिए प्रियंका जी को लाया गया है या ऐसा क्या राजनीतिक पारी चलेंगी प्रियंका जी? मुझे नहीं लगता कि ये सब चलेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो पिछले 5 साल से 2014 में चुने जाने के बाद 2019 की तैयारी करे, तो इन 5 सालों में उन्होंने गांधी नेहरू परिवार पर बहुत हमले किए, यहाँ तक कि अबोध बालकों को भी घसीट करके उसमें वो लाए। तो अगर प्रियंका जी आ गई तो इसमें क्या हक है? इसमें इस देश के अंदर सभी को हक है राजनीति में आने का और राजनीतिक चोंगा बदलने का, राजनीतिक चोंगा बदलने का भी अधिकार है। लेकिन इस बदलते हुए चोंगे को ध्यान में रखकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं और किसानों से कहना चाहता हूं, युवतियों से कहना चाहता हूं, आप इतने सक्षम और सचेत हो चुके हैं कि अब पार्टियों से ऊपर उठ करके संसद को बेहतर बनाने के लिए बेहतर लोगों को चुनकर भेजें। राजनीति में फिल्म अभिनेता काफी आ रहे हैं, निरहुआ घुरहुआ। जब देश के हमारे प्रधानमंत्री ही अभिनेता की भूमिका में आ गए, कभी वो काला चश्मा लगा करके रैम्बो बनने की कोशिश करते हैं, कभी वो स्विट्जरलैंड की वादियों में बर्फ के पीछे काला मफलर लगा करके राजेश खन्ना की पुरानी फिल्म के हीरो बनने की कोशिश करते हैं, तो जब इस देश का प्रधानमंत्री ही कुटिल अभिनेता बनने की कोशिश करे, तो अभिनेता अगर राजनीति में आ रहे हैं तो उन्हें उन पर किसी प्रकार का दोष मढ़ने की क्या जरूरत? कम से कम वो लोगों को हंसाते हैं, हास्य कलाकार हैं, लोगों को
रिझाते हैं, देखने में खूबसूरती है लगती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री न तो रिझाते हैं न हंसाते हैं, ये तो एक तरीके से कॉपीराइट मास्टर है। घोसी लोकसभा से आप। नमस्कार भाई और बहनों, मैं साक्षी सिंह आपका तहलका न्यूज पे स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा।